वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। दोस्तों, मैं समय आपके राजस्थान के तीर्थ गुरु पुष्कर का दृश्य दिखा रहा हूँ। अजमेर के पास ये प्राचीन तीर्थ जो कि तीर्थों का गुरु है, और कार्तिक का महीना चला है। कार्तिक में तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है, और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये बहुत बड़ा आप देख रहे हैं सरोवर है, ये पुष्कर सरोवर, जिसके कुल 52 घाट हैं। और घाट के हर जगह आपको देवताओं के मंदिर मिलेंगे दर्शन करने के लिए, और समय कार्तिक के महीने में भारी भीड़ यहाँ पर भक्तों की तीर्थ स्थान में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आ रही है। यहाँ पर पंडे रहते हैं, आप जब आते हैं तो आप अपने नाम अंकित करवा सकते हैं, वही खाते हो जिसमें आपकी पिछली 5-7 पीढ़ियों तक के नाम यह रहते हैं कि कौन आया था, कब आया था, क्यों आया था, ये सारी चीजें हमारे तीर्थों में देखने को मिलती है, और ये परंपरा पुष्कर में भी निभाई जाती है। ये देखिए, कार्तिक के महीने का स्नान हो रहा है, कार्तिक स्नान यहाँ पर भक्त कर रहे हैं। बड़ा महत्व है कार्तिक स्नान का, कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा मेला यहाँ पर होता है। ये देखिए, सभी स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, डुबकियां लगाई जा रही है। बड़ा सुंदर स्थान है विशाल पुष्कर जी का, चारों तरफ घाट है, कुल 52 घाट यहाँ पर बने हैं के, सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, और सभी घाट पर आरती होती है शाम को। स्नान के लिए रस्य आदि लगाए गए हैं, और ये झंडे लगाए गए हैं, यहाँ तक ये निशानी दी गई है कि इनसे आगे नहीं जाएं, क्योंकि पानी बहुत गहरा है, और इस झंडे तक ही जाकर यहाँ तक सीढ़ियों पर उतर कर स्नान करें। लाल ध्वजा लगी है, यहाँ तक ही वे स्नान कर रहे हैं। देखिए, विदेशी लोगों का प्रिय स्थान है पुष्कर, काफी भीड़ है। देखिए, कार्तिक का महीना है, भारी भीड़ है पुष्कर में। हर घाट के देवताओं के मंदिर हैं पुष्कर में, हर घाट में भीड़ है अभी। देखिए भीड़, देखिए मंदिरों में। यह पुष्पराज की जो मुख्य आरती होती है, ये कल्याण भगवान का विराट स्वरूप यहाँ पर है। कार्तिक महीने में विशेष दर्शन ऐसे सुविधा करवा रहा है। देखिए, पंडित जी हमारे साथ है, वो यहाँ के बारे में बताएंगे। महाराज जी, ये कौन सा घाट है और इसका क्या महत्व है यहाँ पर? यहाँ का ये पुष्पराज भाव घाट भी सबसे बड़ा है, घाट मुख्य गौ घाट है जी। यहाँ से सुबह 6-12 महीने आरती होती है जी। कल्याण भगवान का पुष्पराज की आरती का मंदिर है ये जी। और यहाँ पे कल जो गोपाष्टमी आरती आएगी ना, उसमें कल्याण भगवान का माँ आरती होगी शाम को, और अंकुर का प्रसाद बांटा जाएगा। हर साल बांटते आ रहे हैं यहाँ पे। कल्याण भगवान का मंदिर कितना प्राचीन है? बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, वर्षों से भैया 500 से ज्यादा वर्षों से पुराना है। यहाँ से 2 मूर्ति कल्याण भगवान की निकली है, एक कल्याण भगवान का मूर्ति वहाँ पे देखिए कल्याण जी के है, ये कल्याण मूर्ति का यहाँ पुष्पराज में जी। मैं एक घाट पर भारी भीड़ है, क्योंकि कार्तिक का महीना है, पितृ तर्पण हो रहा है यहाँ पर, पितरों की शांति के लिए तर्पण करवाया जाता है। घाट पर अनेक मंदिर है यहाँ पर, ऐसे लोगों के लिए प्रे स्थल है ये पुष्कर, जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। तो के पास प्रत्येक यजमान का रिकॉर्ड रहता है, 8-8, 10-10 पीढ़ियों तक का बही खाते में। व्यक्ति यहाँ पर तीर्थ स्थान आता है तो अपने नाम वगैरह लिखवा के जाता है, कौन आया, कब आया, क्यों आया, ये सब यहाँ पर अंकित रहता है। पंडों का नाम लिखवाए जा रहे हैं, पितृ तर्पण करवाया जा रहा है यहाँ पर। घाट पर सभी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। तो अगर आप थके हुए हों और उसके बाद में आपको ताजा गन्ने का रस मिल जाए तो फिर मजा आ जाता है। देखिए, और यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। पीने के मामले में पुष्कर कहीं कम नहीं है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं खूब इंजॉय करते हैं खाने पीने का। ये
पांच शेरों वाली गाय, ये ऐसी गाय पुष्कर में बहुत आती है। भीड़ है पुष्कर में इस समय कार्तिक महीने में। पुष्कर आकर अगर आपने यहाँ के माल पे नहीं खाए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं खाए। देखे और जो भी लोग आते हैं माल पे का मजा जरूर लेते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये माल पे यहाँ के। ये देख लो परिवार के साथ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इनकी ब्रह्मा जी मंदिर पहुंच रही है। देखिए पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध स्थान ब्रह्मा जी मंदिर। भीड़ रहती है यहाँ पर। दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। एसएन की टीम ब्रह्मा जी मंदिर पहुंच चुकी है। हर देवता के मंदिर अनेक होते हैं लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है और जो भी लोग पुष्कर आते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर देखिए महिलाएं चूल्हे पर भोजन बना रही है और ये कम देखने को मिलता है। देखिए और यहाँ पर काफी भीड़ भी है, लोग भोजन यहाँ करने के लिए पहुँच रहे हैं।